तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल कमेंट्री का क्लिप्स चैनल, जहां आपको फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ हमारे पॉडकास्ट और चैट शोज के कुछ शॉर्ट क्लिप्स और डिलीटेड कॉन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरफ चलते हैं कि एस्पायरिंग एक्टर्स जो आपको बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉबेबली शायद एक टीयर टू या टीयर थ्री के किसी गाँव में बैठे होंगे, ठीक है, और आपका शो देखते हैं, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी एन एक्टर, राइट, लाइक यू। तो उनके लिए वॉट शुड बी द जर्नी और वॉट शुड क्या अप्रोच उनको लेना चाहिए, हाउ दे कैन लैंड एन ऑडिशन एंड लैंड अ रोल। ओके, फर्स्ट आई वॉन्ट टू से दैट कलाकार हमेशा स्ट्रगलर होता है। आर यू रेडी टू बी अ स्ट्रगलर? आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्ट्रगलर, पेरिनियल स्ट्रगलर टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। Doesn't matter how much money or whatever you have, you are a struggler. If you are an artist, you are a struggler. I am a struggler. Having said that, मेरे ख्याल से पहले तो ये टटोलिए कि आपको एक्टर क्यों बनना है। क्या आपको इसलिए बनना है क्योंकि आपको ऐसा लगता है ईजी मनी है? नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है फेम है, किस्मत से है? इट्स जस्ट लाइक सिटिंग ऑन अ रूले टेबल, बिकॉज अगर आप अच्छे एक्टर हैं भी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो फेम और धन मिले। बिलीव मी यू, देर आर अ लॉट ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स हु आर नॉट देयर वेर यू आर सीइंग देम, जस्ट बिकॉज इट्स जस्ट समटाइम्स अ स्ट्रोक ऑफ लक। इट्स ऑल्सो समटाइम्स इन दिस इंडस्ट्री इट्स 20% ऑफ टैलेंट एंड 80% हसलिंग एंड नेटवर्किंग। सो यू नो, यू नेवर नो इन दिस गेम। इट्स नॉट अ पोएटिकली यू नो वेरी जस्ट गेम कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी टॉप पे है वो बेस्ट है, ऐसा नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आई थिंक वर्क ऑन योर क्राफ्ट, पहले अपनी जो कल है, कला है, उसको आप इम्प्रूव करते जाइए, क्योंकि सिर्फ वही है जो आपको इस डेस्टिनी या फेट के गेम में आपको आपके शस्त्रों को तैयार करेगा। यू नो दिस इज़ जस्ट लाइक यू नो यू शार्पनिंग दी नाइव्स इन योर you know arm. But it's not necessarily that you will not be voted out. You could be, but at least that is just kind of to save your life. So that is definitely important. Secondly, I feel that you know, the reason to come here should not be money and fame, because that's, I think, that's what kills a lot of things for a lot of people. So if that is, you really feel that you're passionate about performing arts, that it gives you life when you are on the stage, and when you are on the stage you feel like this is my nirvana, then only you can, you know, you should decide to come. And like I said, it is 20% talent and it's 80% hustling and networking. Wow. So isme main thoda sa aur specific ho jata hu, ki aapne bola ki theek hai craft pe kaam karna hai aur paisa aur fame ke liye mat aana, bas theek hai aapka passion hona chahiye, right? So ab kisi ka passion hai, wo yahan par aa gaya बॉम्बे, ठीक है, आ गया या आ गई, सो अब उनको सबसे पहली चीज़ तो है सर्वाइवल। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन, राइट। बॉम्बे में आपको अपना सस्टेन करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने के लिए आपको खर्चा चाहिए, राइट। अभी वो हसल है वो आपको नहीं पता कि एक साल की हसल है या 10 साल की हसल है, दैट डिपेंड्स ऑन योर लक एंड नेटवर्किंग एज यू सेड। सो उस दौरान अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए व्हाट दीज एक्टर्स कैन डू। अब तो वक्त बहुत बदल गया है, क्योंकि जब मैं आई थी तब, उस वक्त 2007 में 2008 में, उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं। अब तो सोशल मीडिया आ गया है, तो आपको अपना खुद का, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए एक नेट चैनल है, विच वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर समवन लाइक मी। आई मीन, आई हैड नो आइडिया, आई हैव कम फ्रॉम अ टाइम व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया, तो वो तो एक बहुत अच्छा जरिया है ही। उसके अलावा I mean, you know, it's nice to start with theater. I feel it kind of opens you up. It kind of just kind of gets you in a teamwork and making things in a team. तो वो मुझे ऐसा लगता है theater, हालांकि theater में पैसा नहीं है। I don't know. It is such a tricky business, you know. It's like a tricky game. हर किसी को अपना एक something that makes them going. If you are an influencer, I don't know. These days it's working, it seems. or if you feel that you know, you have any other side thing which you do. A lot of my actor friends are restaurateurs. Some of my actor friends are you know, doing other businesses on the side. So whatever, it's not a bad idea to have some other jig also going for you. Maybe you could be a writer actor, you could probably a director actor, you could be even a DOP actor. Yeah. So times have changed.
आई थिंक वही कमिंग बैक टू व्हाट योर ड्राइविंग फोर्स इज दैट विल आल्सो हेल्प यू कि आप सस्टेन भी उस तरीके से कर पाओगे. अगर आपका ड्राइविंग फोर्स है कि आपको इससे खुशी मिलती है, आप कुछ ना कुछ मे बी इस स्पेस में ढूंढ सकते हैं जिससे भी आपको खुशी मिले और वन फॉर द किचन वन फॉर द सोल कैन कीप हैपनिंग यू नो इन सम सेंस. करेक्ट करेक्ट. सो नेटवर्किंग, आपने बोला नेटवर्किंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है, और नेटवर्किंग करे तो करे कैसे? भाई ये सवाल तो मैं भी For 16 years or 15 years that I've been in this industry, you will not believe it, and I have no ego in going up to a very big director and say I love your work and I'd love to work with you. I can still do that. Magar believe me, you, in my entire career, it has never worked. Never. I have always got work with auditions and with a proper channel ki kahan koi dhoond raha tha aur fir aisa hua waisa hua. Never in my entire life have I gone to someone and said I'd love to work with you and that person has ever given me work. But everybody has a different path. Kuch log bolte hain unka chal jata hai, mere bolne mein kharabi hogi. I don't think that's the reason, but I feel, you know, this is such a thing, you know, some people have a different, har insaan ki apni ek personality hoti hai. I have to be true to my personality. My personality is to just slog, work hard and just do my straight line, to wo mere liye chalta hai. But lot of people are very good with becoming friends and coming in the groups and getting the work, wo unke liye chalta hai. But I personally feel you should keep jo mujhe aisa lagta hai, if I had to give an advice to my younger self, main apne aap ko ye advice dungi, you should keep collaborating. That is what probably I was not very clever enough to understand. You should keep collaborating. You meet a good writer, collaborate. You meet a good musician, collaborate. You meet a good director, collaborate, collaborate, collaborate. Collaborate करके create करते रहिए, क्योंकि क्योंकि और अपने आप को ना बहुत बहुत हमारी industry में एक ये भी दिक्कत भी है कि people don't open up and they have their own little insecurities. That is not so much in the West as much as it is in India. You must collaborate if something good is getting created. पैसों के बारे में मत सोचो, इट विल फॉलो. जैसे इन्वेस्ट, सो मेनी ऑफ माय अदर एक्टर फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये फ्रेंड है, ये इसके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, इसके पास बहुत अच्छा ये डायरेक्टर था, हम राइटर्स एक्टर्स थे, वी पूल्ड इन, वी मेड समथिंग. दैट बेयरली हैपन्स इन इंडिया, हैपन्स वेरी लिटल इन इंडिया. पीपल आर मोर केजी, कीपिंग थिंग्स टू देमसेल्व्स. आई फील वी आर आर्टिस्ट, वी आर हियर टू जैम, सो प्लीज जैम एंड क्रिएट गुड स्टफ. सो दैट इज माई एडवाइस टू माई यंगर सेल्फ. Networking, I am also no great in that. देखा, मजा आया ना? तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री के मेन चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है.